महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश तक बच्चे ले रहे हैं भाग। डिजिटल बाल मेला में वीडियो बनाकर भेजना है आज। आप अपनी वीडियोस 8005915026 पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। सीएस निरंजन आर्य ने होटल एसोसिएशन, टूर ऑपरेटर्स और बार रेस्टोरेंट मालिकों की समस्याएं 3 महीने में दूर करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। होटल एसोसिएशन, टूर ऑपरेटर्स और बार रेस्टोरेंट संचालकों के साथ हुई बैठक में होटल टूर ऑपरेटर्स ने उद्योग का लाभ दिए जाने और बार रेस्टोरेंट को रात 11 बजे तक बंद करने की छूट देने समेत कई अहम मांगे रखी है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोरोना के समय खराब माली हालत से जूझ रहे पर्यटन उद्योग को उबारने की कोशिशें सरकार ने तेज कर दी हैं और इसी कड़ी में सीएस निरंजन आर्य ने होटल, बार, रेस्टोरेंट संचालकों और टूर ऑपरेटर्स की बैठक ली। बैठक में होटल और टूर ऑपरेटर्स ने उद्योग का लाभ दिए जाने और बार रेस्टोरेंट को रात 11 बजे तक बंद करने की छूट देने समेत कई अहम मांगे भी रखी। इसके अलावा आरटीडीसी जैसे बार लाइसेंस फीस को 1 साल के लिए माफ करने की भी मांग रखी गई है। वहीं लग्जरी कोच और कार्स का टैक्स साल या 2 साल के लिए माफ करने और ट्रांसपोर्ट में यथासंभव ज्यादा रियायत देने की मांग की गई है। ऑपरेटर्स ने इवेंट्स और फिल्म सिटी जैसे प्रोजेक्ट्स में लाइसेंस फीस को माफ या कटौती करने की भी मांग की। संचालकों ने पर्यटन उद्योग को हुए करीब 60,000 करोड़ के नुकसान को लेकर अलग पैकेज देने की मांग की है। इसके अलावा बिजली के फिक्स चार्जेस में भी रियायत समेत अन्य कई मांगे की गई हैं। कुछ हमारी मांगे बार लाइसेंस रिलेटेड भी हैं कि 1 साल के लिए फीस को वेव ऑफ किया जाए, जैसे आरटीडीसी को के लिए किया है इन्होंने। उसी तरीके से जो ट्रांसपोर्ट है, करोड़ों रुपए का ट्रांसपोर्टेशन आज खड़ा है, काम चल नहीं रहा है, तो जितनी हमारी लग्जरी कोचेज और कार्स वगैरह हैं उन सब का टैक्स 2 साल के लिए माफ़ किया जाए तो उसके बिना सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। और जो भी ट्रांसपोर्ट वगैरह हैं उसके ऊपर जितनी रियायत दे सकें अभी सरकार को देनी चाहिए। इसके अलावा जो माइस टूरिज्म जिसको हम कहते हैं, जिसमें इवेंट्स होते हैं, फिल्म सिटी आने वाली है और अगर कोई बड़े इवेंट्स या कुछ होने हैं उसके ऊपर भी जो लाइसेंस फी है उसमें कटौती की जाए या माफ़ किया जाए। आज की जो मीटिंग रही उनके अंदर हमने जो है होटल एसोसिएशन ऑफ राजस्थान वालों ने और सब लोगों ने टूर एसोसिएशन से भी रिक्वेस्ट की है कि जो रेस्टोरेंट्स जो हैं वो 7 बजे बंद रहते हैं, उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो रिक्वेस्ट है कि उसको 11 बजे तक किया जाए। जैसे शादियों के लिए भी किया गया तो वैसे किया जाए, एक पास बना दिया जाए रेस्टोरेंट से कि वो लेके और आ सके। इसके अलावा जो है इसके लिए ये भी कहे कि बिजली के अंदर भी जो फिक्स चार्जेज हैं उसके अंदर भी जो रिलैक्सेशन दिया जाए। इस समय किसी को मदद नहीं मिली तो टूरिज़्म एकदम साफ हो जाएगा और राजस्थान जो है 30% राजस्थान की जो एम्प्लॉयमेंट है वो टूरिज़्म से आती है। करीब 22% GDP राजस्थान का जो है वो टूरिज़्म से आता है, तो इसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्टर है और इसको ये राजस्थान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको सर्वाइव करना बहुत ज़रूरी है। राजस्थान में 30% रोजगार सृजन होटल उद्योग से होता है, जीडीपी की 22% राशि टूरिज्म से आती है और ऐसे में सरकार इस सेक्टर का सर्वाइवल बहुत जरूरी मान रही है। आज की बैठक के बाद होटल संचालक सरकार के प्रयासों से संतुष्ट नजर आए और उन्होंने कहा कि एक एक मुद्दे को लेकर अधिकारियों ने गंभीरता दिखाई है और खुद सीएस ने 3 महीने में सारे मुद्दे सुलझाने के और अगली बैठक में ये मुद्दा वापस नहीं आने के निर्देश दिए हैं। बैठक में UDH प्रमुख सचिव भास्कर सावंत, प्रमुख सचिव आलोक गुप्ता समेत पर्यटन और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। आज की बैठक में दिए सुझाव और मांग सीएम गहलोत के पास भेजे जा सकते हैं। ये भी संभावना है कि इनमें से दी जा सकने वाली रियायतों को सीएम अगले बजट में शामिल करें या अलग से नोटिफिकेशन जारी करवाएं। ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।